हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी होता है, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। आइए इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है देखते हैं। यहाँ मैं ली हुई हूँ पत्ता गोभी, जो 2 कप पत्ता गोभी है लंबे पतले कटे हुए, आधी छोटी शिमला मिर्च, आधी रेड वाली शिमला मिर्च और आधा येलो शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का गाजर है बारीक कटा हुआ, 2 प्याज और 8 से 10 बीन्स बारीक कटे हुए। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च, इसे हल्का सा कलर होने तक सौते करना है। इसके बाद हम इसमें प्याज को मिक्स कर देंगे, प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब मैं इसमें बीन्स और गाजर को मिक्स करूँगी। यहाँ पे सारी सब्जियों को फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि सारी सब्जियाँ क्रंची रहे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें। सब्जियाँ क्रंची रहने से चावल का टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को भी मिक्स कर दूँगी और फुल फ्लेम में हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। इसे अच्छे से मिक्स करें और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल दें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च। अब इसे फ्राई करें फुल फ्लेम में। सब्जियां हमारी फ्राई हो गया है, अब इसमें चावल को मिक्स कर दें और थोड़ी सी विनेगर ले रही हूँ यहाँ मैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। चावल को मैं पहले से ही बॉईल करके रखी थी। चावल बॉईल करते समय थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ा सा तेल, जिससे आपका चावल खिला खिला बनेगा। सब्जियों को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, चावल को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा और खिला खिला नहीं लगेगा देखने में। थोड़ी सी सोया सॉस ले रही हूँ मैं। सोया सॉस को कभी भी सब्जियों के ऊपर नहीं डालें, नहीं तो आपका सब्जी का कलर चेंज हो जाएगा। चावल हमारा फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये बिल्कुल खिला खिला बना है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं सारे चावल को निकाल ली हूँ प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी बना है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर।